क्रांतिकारी एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी। आज चंडीगढ़ दे विच जो फतवा मिले है, पार्टी जिहड़ी है उहदे उस फतवे नाल बहुत हौसले दे विच है। असी पहला भी कहिंदे आ रहे सीगे कि जिथे गंदगी होवे उत्थे जे झाड़ू चल जाए तां कमल नहीं उगदा, फिर क्योंकि कमल चिक्कड़ दे विच उगदा, पर जे झाड़ू नाल चिक्कड़ साफ कर दिता जाए कमल उगदा नहीं। फिर दिल्ली दे विच भी इदां होया, चंडीगढ़ दे विच अज भारी फतवा सानू मिलिया, जबकि बीजेपी डोमीनेटिंग चंडीगढ़ है, क्योंकि MP इत्थों बीजेपी दे है, राजपाल जिहड़े ने वो प्रशासक ने, बीजेपी दे राजपाल ने, वो चंडीगढ़ दे प्रशासक ने, और मेयर भी बीजेपी दे सी, और केंद्र दे विच बीजेपी सरकार है। उस दे बावजूद बड़े बड़े दिग्गजों नूं लोकां ने हराया। साडे एक आम जे घर दे मुंडे ने सिटिंग मेयर नूं हराया, डिप्टी मेयर हारिया, प्रधान हारे इन्हां दे। हालांकि असी सिर्फ एक रैली, एक जनसभा अरविंद केजरीवाल जी दी होई सी, मैं भी उहदे विच सी। बीजेपी दे चार चार मंत्री हर रोज़ इत्थे आउंदे सी, कदे अनुराग ठाकुर आ गया, कदे नित्यानंद जी आ गए, कदे कोई मंत्री आ गया, बीजेपी दे काफ़ी मंत्री इत्थे आए, गलियां च फिरदे सी, बिल्कुल उस तरह जिवें दिल्ली च फिरदे सी। ते दिल्ली दे विच भी उही हाल होया, नफरत की राजनीति नूं लोक पसंद नहीं करते, लोग डिवेलपमेंट की राजनीति नूं पसंद करते हैं। चंडीगढ़िया ने सूझवान लोगों ने यह दिखाता। मैं चंडीगढ़ के कल्ले कल्ले वोटर का जिहड़ा जदों घरों चलिया बूथ ते पहुंचया वोट पाउण, वो कल्ला कल्ला कदम साडे सिर मत्थे, और जिन्ना भी चंडीगढ़ नूं सिटी ब्यूटीफुल बनाउण लई दोबारा सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा जिहड़ा वो वापस चंडीगढ़ के सिर ते ये ताज टिकाउण लई जिन्नी भी एफर्ट हो सके असी करांगे। ईमानदार लोगों नूं जताया, लोगों ने साढ़े यकीन किया, तो नाल ही चंडीगढ़ दे पंजाब है, तो पंजाब दे लोग तो पहली मन बनाई बैठे ने, तो चंडीगढ़ की इस जित नाल पंजाब दे लोगों नूं भी हौसला होऊ कि हाँ, आम आदमी पार्टी का जिहड़ा दरख्त है उहदे ते हरे रंग के पत्तियां की जिहड़ी गिणती है वह बढ़ रही है। सो मैं इस फतवे लई मैं चंडीगढ़ के सारे वोटरां दा, साडे वर्करां दा, वलंटियरां दा, जिन्हां ने दरियां बिछाइया, पोस्टर लाए, सोशल मीडिया टीमों का, और जिन्होंने परदे के पिछे रह के भी काम किया, सारिया का जिहड़ा, क्योंकि यह टीम वर्क है, टीम आम तौर पर टीम 15 प्लेयर की होंदी है, खेड दे 11 होंदे ने, कई बार बाकी चार जिहड़े ने सारा टूरनामेंट खेड नहीं सकते, पर जो टूरनामेंट जित जाती है चैंपियनशिप जित जाते हैं तो जिहड़े मैडल ने वो 15 दे 15 नूं मिलते हैं। सो साडे बाकी भी जिहड़े प्लेयर एक्सट्रा प्लेयर जिहड़े साडे रहे उन्हां दा भी मैं बहुत धन्यवाद करदा, और कुछ जगह तो असीं बहुत घट मार्जन ते हारे भी हाँ, कोई गल नहीं, असीं फाइट दित्ती है, पहली बार लड़े हैं। सो मैं मनीष जी नूं कहूँगा कि वो तुहाडे नाल अपने विचार सांझे करन, उस तों बाद फिर तुसीं सवाल ले सको। धन्यवाद भगवंत भाई। आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के बारे में चारों तरफ यही बात होती है कि काम की राजनीति करती है, ईमानदारी की राजनीति करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राजनीति का एक नया इतिहास लिखा, उसके दम पर पूरे देश में आज अरविंद केजरीवाल मॉडल की चर्चा होती है, विदेश से भी लोग अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल देखने आते हैं, और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल का अब विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। आज चंडीगढ़ के नतीजे भी उसी की ओर एक बहुत बड़ा संकेत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि एक मौका केजरीवाल को, हम लोगों के बीच जाके यही कहते हैं कि आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, इसको देखा, उसको देखा, एक मौका केजरीवाल को देके देखिए। यहां भी हमने यही नारा दिया था आके, और चंडीगढ़ में आज जो नतीजे आए उससे साफ हो गया कि चंडीगढ़ के लोग
इस नारे को आत्मसात कर चुके, इसको स्वीकार कर चुके, वो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखे देखना चाहते हैं। आज चंडीगढ़ के नतीजों ने साफ कर दिया कि चंडीगढ़ के लोगों ने, जो भगवंत भाई ने कहा कि सिटी ब्यूटीफुल को बनाए रखने का, आगे बढ़ाने का सपना, और जो नीचे चलता चला गया उसका ग्राफ, उसको आगे लाने का सपना केजरीवाल जी की राजनीति में देखा कि वहीं से ये पूरा हो सकता है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि अकाली बीजेपी को, कांग्रेस को बार बार देख लिया, अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को ही देना है। और दिल्ली का मूड देख के, पंजाब का मूड देख के, चंडीगढ़ में भी इस बार मूड बना और लोगों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकार के आम आदमी पार्टी को चुना। इसीलिए उनके वर्तमान मेयर, दो उनके पुराने मेयर, उनके यूथ के अध्यक्ष, उनके महिला के अध्यक्ष, महिला विंग के अध्यक्ष, इन सबको चंडीगढ़ के लोगों ने हराया है। और धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोगों को हरा के चंडीगढ़ की जनता ने एक मैसेज दिया है कि काम की राजनीति चाहिए, ईमानदारी की राजनीति चाहिए, ऐसी राजनीति चाहिए जो लोगों के काम की बात करे चुनाव में, और चुनाव के बाद फिर काम करे। ऐसा ना हो कि पूरे 5 साल काम ना करें और चुनाव के वक्त आके धर्म की, क्षेत्रवाद की, नफरत की राजनीति फैलाएं। यहां मैं चंडीगढ़ के एक एक वोटर को धन्यवाद करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के प्रति कायम भरोसे को चंडीगढ़ में स्थापित किया। हमारी पूरी टीम, जो चंडीगढ़ की टीम है, जिन्होंने पूरे मेहनत करके पहली बार चुनाव लड़के इतना जबरदस्त मैंडेट लोगों का हासिल किया, इतना जबरदस्त भरोसा लोगों का हासिल किया, ये काबिले तारीफ है। पहली ही बार में एकदम दिल्ली की तरह से, जैसे दिल्ली में पहली बार लड़ी थी, चंडीगढ़ में भी पहली बार लड़के जो भरोसा कायम किया, तो एक एक कार्यकर्ता को मैं उसके लिए बधाई देता हूं। और विशेषकर हमारे कन्वीनर प्रेम गर्ग जी, हमारे इलेक्शन कैंपेन के मुखिया प्रदीप छाबड़ा भाई, सतीश सैनी जी, और इन सब के बीच सूत्रधार की भूमिका, इनको गाइड करने वाले हमारे दिल्ली से MLA जिन्होंने पूरे कैंपेन को यहाँ मैनेज किया, जनरल सिंह जी, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर कि इन सब ने और पूरे कार्यकर्ताओं ने सबने मेहनत करके जिस तरह से पहली बार लड़े गए चुनाव में ही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को लोगों के दिल में, लोगों के मन में स्थापित किया, वो बहुत काबिले तारीफ है। देखिए 2013 और 2021 के हालात सेम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों ने भरोसा जताया है केजरीवाल जी की राजनीति पे। अभी तो नतीजे आ रहे हैं, आए हैं, फाइनल हुए हैं, अब सर्टिफिकेट आए हैं, लोगों के हाथ में मिले हैं, तो धीरे धीरे आगे की भी रणनीति तय करेंगे। और बाकी सब जगह, क्योंकि लोगों, अब तो ये क्लियर है कि लोग चंडीगढ़ का विकास को वोट देना चाहते थे, तो बाकी पार्टियों में भी जो लोग चंडीगढ़ के विकास को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जो लोग चंडीगढ़ को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं उनको अपील करूंगा कि वो आएं और हाथ थामें, साथ में मिलें और चंडीगढ़ को एक नया स्वरूप देने का, जो ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को आगे बढ़ाने का सपना है वो पूरा करेंगे। अच्छे लोगों को हम स्वागत करेंगे। और बाकी की सारी मेन पार्टी की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, नेशनल पार्टी की है, कैसे नेशनल पार्टी आप लाइन को नंबर कैसे चलाएंगे मेयर के लिए, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप ही है। अभी तो आज हम थोड़ा नतीजों को देख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे क्या रणनीति है। प्रधान ने कहा कि मेयर तो बीजेपी ही लाओगे, वो तो देखें, वो तो वो बताएंगे, लेकिन हमारा मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। ये जनता ने मैसेज दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है और यही मैंडेट आगे बढ़ेगा। हम हर पार्टी के अच्छे लोगों का स्वागत करेंगे और कई लोगों से, जो जितने अभी जीत के आए हैं उनमें से कई लोगों ने अपनी इच्छा भी जताई है कि भाई चंडीगढ़ के लोगों ने जो मैंडेट दिया है हम उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। हो सकते हैं।
थैंक यू। पंजाब ने तो पहले ही मन बनाया हुआ है जी। सर एक सवाल और, अभी पहले जिनके अख्तियार में देना है वो तो तय करें कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। नहीं उन्होंने देखो अपना रोहित जी अरुण सूद में अभी बात हुई हमारी, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे और मेयर बनाने में कोई मतलब उनका सहयोग नहीं करेंगे। और जिस तरह का उनका कॉन्फिडेंस लेवल है चाहे संजय टंडन जी हो या अरुण सूद हो, वो कहते हैं कि अभी भी हम सरकार बनाएंगे, हमारे पास लोग आएंगे और आम आदमी। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस तो चंडीगढ़ के लोगों ने तोड़ दिया है, बहुत गुरूर में थी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थी, लोगों ने तोड़ दिया है। मैं रोहित रोहित जी जदों आए सीगे जदों एक मिनट चंडीगढ़ चंडीगढ़ जदों आए सीगे अरविंद जी उन्होंने कहा सी कि बहुत बड़ियां अफवाहां चल रही ने, एक गलत भी हो सकती ने, हो सकता कोई सच्चाई भी हो, एक र्यूमर ऐसे ऐदा चल रहा है कि ऐदा का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री कर सकते हैं, पर इधर बारे हजे कोई सानू इस तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी। मान साहब एक सवाल है हमेशा कि दिल्ली पूरी स्टेट नहीं हैगी, इस करके बहुते काम जेडे तुसीं करना चाहुंदे सी उह नहीं कर दित्तेगे। पंजाब दे विच हुण चंडीगढ़ दी असीं जे गल कर लईए वी उत्थे वी अधिकार पूरे नहीं होणगे तुहाडे कोल, कि इत्थे वी एक्सक्यूज बार बार तुहानूं मिलेगा कि पूरे अधिकार नहीं। जिस तरह से दिल्ली में पूरे अधिकार नहीं होने के बावजूद वो करके दिखा दिया जो कांग्रेस और बीजेपी 70 साल में करके नहीं दिखा पाए, चंडीगढ़ में भी करके दिखा। थैंक यू। आ जा।